Good morning everyone. How are you all? Let's continue with the topic clothes in our EVS class. Dear children, we have learned that we need clothes to protect our body and we look smart in clothes. We have studied about cotton clothes and woolen clothes. We wear cotton clothes in summers and woolen in winters. Now we are going to study about rainy season. Boy. Having an umbrella and wearing a raincoat. एक बच्चे के हाथ में umbrella भी है और raincoat भी है. तो rainy season में we keep ourselves dry by using raincoats, by wearing gumboots and using umbrellas. बारिश से बचने के लिए, अपने आप को सूखा रखने के लिए. देखो जब आप लोग स्कूल आते हो या कहीं जाते भी हो तो ऑटो वाला भी जब आपको ड्रॉप करता है क्लास तक आने के लिए, कई बार कुछ बच्चों ने रेनकोट्स पहने होते हैं, कुछ ने अम्ब्रेला कैरी किया होता है ना. या हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम बारिश के मौसम में, आजकल देखो बारिशें हैं, पानी कभी भी आ जाता है ना, बारिश हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. और कई बार हम अपने बैग में रैप करके रेनकोट्स भी ले जाते हैं कि अगर बारिश आ जाए तो हम अपने कपड़ों के ऊपर पहन लेंगे. क्योंकि जो रेनकोट्स का फाइबर होता है वो कैसा होता है, फैब्रिक प्लास्टिक का होता है जो हमको गीला नहीं होने देता. और गमबूट्स कैसे से होते हैं बेटा, बड़े बड़े शूज़ होते हैं गमबूट्स, है ना, तो उनको भी हम विंटर्स में पहनते हैं. वो थोड़े से रबड़ के होते हैं जिससे हमारी सॉक्स और हमारे पैर गीले नहीं होते हैं. सो व्हाई डू वी वेयर सॉक्स एंड शूज और या सैंडल्स? वी वेयर सॉक्स, शूज और सैंडल्स ऑन आर फीट टू प्रोटेक्ट देम. पैरों पे डस्ट ना लगे, पैरों में कोई चीज़ चुभे नहीं, कोई इंसेक्ट्स नहीं काट जाए, तो अपने पैरों को बचाने के लिए हम फुटवेयर्स पहनते हैं और सॉक्स भी डालते हैं अपने पैरों को वार्म रखने के लिए विंटर्स में. पीपल वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब एक बात और है, अलग अलग जगह में, देश में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं. Why? क्योंकि हर जगह अलग अलग मौसम है. Let's see कहाँ पर कैसा कैसा मौसम होता है. What can we see? We can see hills. हमें छोटे छोटे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ भी हम जब छुट्टियाँ होती हैं या कहीं घूमने जाते हैं हमें हिल स्टेशंस पे, तो वहाँ कैसा मौसम होता है, वहाँ थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम होता है. और जब विंटर्स होती हैं तो ज़्यादा ठंड होती है. तो वहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं हिल्स पर? पीपल वियर वार्म वुलन क्लोथ्स, गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए. यू कैन सी इन द पिक्चर दे आर वियरिंग वुलन गाउन्स, वुलन कैप्स. ठीक है बेटा, कैप हम गर्मियों में भी पहनते हैं सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो कैप्स वूल की नहीं होती, दैट आर नॉट वुलन कैप्स, वो कॉटन की होती हैं, वो हम अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ इन द व्हाट कैन वी सी, वी कैन सी डेजर्ट, रेगिस्तान. जयपुर है ना, तो जैसे ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, तो वहाँ क्या है, रेगिस्तान है. और ऐसी जगह पर बहुत गर्मी होती है, तो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? पीपल वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, क्योंकि जितने भी हल्के रंग के कपड़े होते हैं दे अब्सॉर्ब हीट, है ना, उनमें हमें गर्मी कम लगती है. यू कैन सी द इन द पिक्चर कि कितने लाइट शेड्स के कपड़े पहने हुए हैं, लाइट पिंक, वाइट, लाइट स्काई ब्लू. तो डेजर्ट एरियाज में पीपल वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स. सी, समुद्र का किनारा. अगर आप सब कभी बीच के आसपास गए हों, गोवा गए हों, बॉम्बे गए हों, है ना, तो वहाँ समुद्र होते हैं, तो ऐसी जगह पे बेटा मॉइस्चर होता है, नमी भी होती है थोड़ी सी, ऐसी जगह पर भी गर्मी होती है. पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स, ऐसी जगह पर भी लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं. और मैंने क्या बताया था, जो कॉटन के कपड़े होते हैं दे अब्सॉर्ब स्वेट, वो पसीने को सोख लेते हैं, एंड दे कीप अस कूल, कीप आर बॉडी कूल. आप देखिए पिक्चर में समुद्र का किनारा है, सी का किनारा, और लोगों ने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं. वी ऑल्सो वेयर स्पेशल क्लोथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. जब भी त्यौहार आते हैं तो हम त्यौहार के हिसाब से अलग अलग तरीके के कपड़े
पहनते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ फेस्टिवल। दिवाली आती है तब भी हम पार्टी वेयर पहनते हैं, होली पे हम अलग तरीके के पहनते हैं, राइट? तो वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स ऑल्सो। एंड वॉट कैन यू सी इन दिस पिक्चर? वी कैन सी डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। डू दे वेयर क्लोथ्स? नो, दे डू नॉट वेयर क्लोथ्स। वाई? क्या उनको ठंड नहीं लगती? लगती है बेटा उनको भी, बट गॉड ने उनकी बॉडी ऐसी बनाई है कि उनकी बॉडी पे दे आर हैविंग फर। फर होता है, ऑयली स्किन होती है, ठीक है, या वाटर प्रूफ फेदर्स होते हैं उनके, जो उनकी बॉडी को कोल्ड से और रेन से बचाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा लोग पेट्स को कपड़े पहना देते हैं, वो अपने शौक से पहना देते हैं, बट देयर बॉडीज आर मेड इन द मैन, इस तरीके से बने होते हैं कि उनकी जो फर है या ऑयली स्किन है, उनकी जो स्किन ही है वो उनको ठंड नहीं लगने। सो डियर चिल्ड्रन, हियर इज एन वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू। रोहन इज गोइंग टू द हिल्स and Vidya is going to the beach. Help them pack their bags by choosing the correct things. On page number 58 of your book, you can see this. इसमें क्या है, रोहन कहाँ जा रहा है? हिल्स पे। और मैम ने आपको क्या बताया था, हिल्स पे कैसा मौसम होता है? वहाँ ठंड होती है। People wear warm woolen clothes, है ना? तो अगर रोहन ने हिल्स पे जाना है तो वो इसमें से कौन से कपड़ों को या कौन से आर्टिकल्स को सेलेक्ट करेगा अपना बैग पैक करने के लिए? तो चलिए पहले रोहन की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी कैन सी, वी कैन सी ब्लू ब्रीफकेस ऑफ रोहन, तो उसको हम टिक करते हैं। नाउ ही इज़ गोइंग ऑन द हिल्स, सो ही नीड वूलन स्वेटर, रेड स्वेटर। देन व्हाट वी कैन सी, वी कैन सी रेड मफलर, क्योंकि ठंड है, ठंड से बचाना है अपने आप को। देन वी कैन सी वुलन कैप, जैकेट, क्योंकि ठंड है, पता नहीं ज़्यादा है कम है, तो ही विल कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुलन क्लोथ्स विद हिम। एंड हियर वी कैन सी द वुलन सॉक्स आल्सो, पैरों को ठंड से बचाने के लिए ही नीड सॉक्स एंड शूज। वी कैन सी गम बूट्स, है ना, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी हो जाती है हिल्स पे कभी कभी, तो अपने पैरों को ठंड, बारिश या बर्फ, स्नोफॉल भी तो हो सकता है, बचाने के लिए ही नीड सॉक्स एंड गम बूट्स। ओके, तो वी हैव हेल्प रोहन इन पैकिंग हिज बैग बिकॉज ही इज़ गोइंग टू द हिल्स। नाउ वी आर गोइंग टू हेल्प विद्या, अब हमने विद्या की हेल्प कर। So Vidya is going to the beach. So we have to help Vidya now. तो बीच पे मैम ने क्या बताया था, कैसा होता है, गर्मी होती है वहाँ पे, बहुत तेज सूरज होता है, मॉइस्चर होता है, तो पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स, एंड इतना तेज सन होता है कि पीपल यूज टू वेयर सन ग्लासेज ऑल्सो। सो लेट्स हेल्प विद्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द बैग ऑफ विद्या। She is going to the beach, so she will need cotton t-shirt. What else? Sunglasses, apni aankhon ko bachane ke liye. And what else she will take? She will take bathroom slippers, kyunki agar sea ke kinare pe wo shoes aur socks pehnegi to wo geele ho jayenge, hai na? Bathroom slippers se aaram se ret bhi saaf ho jayegi aur uske pair bhi saaf rahenge agar wo पहन के घूमेगी। स्लीपर्स विल प्रोटेक्ट हर फीट। एंड वॉट एल्स, वॉट एल्स, येस, वॉट वी कैन सी, वी कैन सी कॉटन हैट, पिंक कलर का, गर्ल्स का। शी विल टेक द हैट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट हर हेड फ्रॉम द सन। एंड स्विम सूट, शी इज गोइंग नियर द बीच, सो शी विल कैरी स्विम सूट। एंड वन मोर थिंग, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके साथ वो अपने आप को एंटरटेन करेगी, शी विल कैरी बकेट एंड स्पेड। अपने साथ वो एक बकेट लेके जाएगी, एक स्पेड लेके जाएगी, जिसमें वो स्पेड की मदद से मिट्टी डालेगी और उस मिट्टी से फिर वो एक छोटी सी घर बनाएगी अपना, एक टीला बनाएगी, रेत का टीला, एक, है ना, देखो कितना सुंदर सा बना है। तो शी विल कैरी दीज थिंग्स ऑल्सो विद हर टू इन्जॉय। सो ऑल ऑफ यू लाइक दिस एक्टिविटी।
डियर चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज़ मेंट फॉर प्रोजेक्ट वर्क. ये आपका ओरल्स में नहीं सुना जाएगा. आपको मैम ने पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है, लेकिन ओरल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. दिस चैप्टर इज़ मेंट फॉर प्रोजेक्ट. आपका प्रोजेक्ट क्या है जो हमने अभी अभी किया है? आप सपोज कीजिए ऑल द बॉयज़ ऑफ द क्लास आर गोइंग टू द हिल्स. दे विल मेक देयर शीट्स. वो कैसी सी A4 साइज शीट पर वो जो चीज़ें हिल्स पर चाहिए उन वाली थिंग्स के पिक्चर्स पेस्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद उनके ऊपर उसी के फैब्रिक को पेस्ट करेंगे. सपोज बॉयज़ आर गोइंग टू द हिल्स, दे आर कैरिंग स्वेटर्स अलॉन्ग विद देम. तो स्वेटर के पिक्चर पेस्ट करके वो उसके ऊपर वूल लगाएंगे, है ना. तो इससे ही वूलन कपड़े किससे बनते हैं? वूल से बनते हैं. इन द सेम वे दे कैन पेस्ट अदर थिंग्स ऑल्सो जो उनको अपने साथ और चाहिए, लाइक सॉक्स, कैप, जैकेट, कोट्स. सो यू कैन ड्रॉ और यू कैन पेस्ट. नाउ इट्स गर्ल्स कहाँ जा रही हैं? गर्ल्स आर गोइंग टू द बीच एंड दे विल मेक देयर शीट्स अकॉर्डिंगली. अब आप सोचिए आप सारी फ्रेंड्स मिलकर कहाँ जा रहे हो? आप सारे जा रहे हो बीच पर. तो गर्ल्स जो अपनी शीट बनाएंगी वो उन आर्टिकल्स को लेके बनाएंगी जो हमें बीच पर चाहिए. तो यू कैन ड्रॉ और यू कैन पेस्ट द पिक्चर्स, और पिक्चर्स को पेस्ट करने के बाद आप उसके ऊपर सपोज कॉटन टी शर्ट आपने पेस्ट किया है या ड्रॉ किया है, तो यू विल पेस्ट कॉटन फैब्रिक ऑन इट. सो दिस इज़ योर प्रोजेक्ट वर्क, यू हैव टू डू इट. ये शीट के आपके 10 मार्क्स हैं. यू विल मेक दिस शीट एंड यू विल सेंड टू योर द पिक्स ऑफ द शीट्स टू योर क्लास टीचर ऑन 18th अगस्त बाय 1 PM. 1 PM तक ये शीट्स आ जानी चाहिए, इससे पहले कोई भी नहीं भेजेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Goodbye. Take care.